हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में दोस्तों यहाँ पर एक नई जानकारी निकल कर आई है कौशल विकास संचालय से जिस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर पहले भी बताया गया था ग्रुप फोर के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई थी सहायक गिट थ्री स्टेनोटाइपिट सी लेखक की इसी के संबंध में दोस्तों आपको पहले भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं और इसी के संबंध में दोस्तों एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है इसी के संबंध में दोस्तों आपको यहाँ पर पूर्ण जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे चलिए दोस्तों यहाँ पर चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन सामान्य हिंदी का निकल रहा है जिसके जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर किस किस एग्जाम में यहाँ पर फायदा मिलने वाला है और सटीक यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है बत्तीस अध्याय में यहां पर दोस्तों कौन कौन से एग्जाम है जिस प्रकार से आपके एमपीएसआई में यहाँ पर पूछी जाती है हिंदी विशिष्ट हिंदी सामान्य हिंदी पूछी जाती है इसके अलावा आपकी आरआरबी आरआरबी बी ग्रामीण बैंक के एग्जाम में भी यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है इसके अलावा आपके एस एस सी में भी यहाँ पर जो है आपकी हिंदी पूछी जाती है इसके अलावा भी दोस्तों यदि अन्य कोई एग्जाम है जिसमें कि आपकी हिंदी पूछी जाती है तो दोस्तों इसमें डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है आपको यहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर बता देते हैं और ये जो बुक है दोस्तों यहाँ पर चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है इस बुक को और साथ में साथ दोस्तों यहाँ पर जो है लेटेस्ट वर्जन है जिस भी पूर्व में जो परीक्षाओं में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं उनका यहाँ पर अध्ययन कर यहाँ पर इसको बनाया गया है लगभग लगभग यहाँ पर चौबीस प्लस क्वेश्चन है और हंड्रेड परसेंट पर गेंटेड क्वेश्चन है यदि कोई यूपी से है तो यूपी वाले कैंडिडेट के लिए बैंक एस रेलवे इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा सीट

दोस्तों यदि आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ इस बुक को तैयार किया गया है पूर्व में आए हुए प्रश्नों के आधार पर इसे तैयार किया गया है इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखें तो जो कौशल विकास संचनालय है जिसके अंतर्गत आपकी ग्रुप फोर के अंतर्गत पोस्ट डिवाइडेड थी उसी के संबंध में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो ग्रुप फोर है उसके अंतर्गत साइड ग्रेड थ्री पे सिख लेखक या अन्य पद पर जो भर्ती थी बैकलॉग की भर्ती थी 2023 की इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर कौशल विकास संचालन में जो विज्ञापति निकाली गई थी साइगेट गेट थी स्टेनोटाइपिस्ट की इसी के संबंध में यहाँ पर चयन सूची या मेरिट सूची चयन सूची या मेरिट सूची के चयनित उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है मूल अभिलेखों का परीक्षण या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है जिसको कि यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर जो है रोका गया था चुनाव के कारण यहाँ पर जो है इनका रोका गया था तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो डेट दी गई है वो यहाँ पर दस जुलाई से ग्यारह जुलाई के बीच यहाँ पर दी गई है जहाँ आपको गोविंदपुरम भोपाल में यहाँ पर जो है आई आई परिसर में यहाँ पर पहुँचना है इसके अलावा यहाँ पर आपके अभिलेख परीक्षण होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा इसके अलावा जो जानकारी है वो आपकी एम पी स्किल डॉट जी ओ पर भी पर यहाँ पर जो है आपको कॉल लेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा और कॉल लेटर यदि हमें मिलता है तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर अपडेट जरूर देंगे बाकी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपको यहाँ पर आपके पते पर भी भेजा जाएगा काफ़ी सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी कैसे मिलेगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रोसेस होती है कुछ यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक भेजते हैं कुछ यहाँ पर मैसेज भेजते हैं कुछ मेल मेल भेजते हैं तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है इसके अलावा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के साथ साथ टाइम के साथ साथ यहाँ पर पता दिया गया है और उपस्थित होने की बात यहाँ पर की गई है कौशल विकास संचनालय अब यहाँ पर जो कैंडिडेट कौशल विकास संचनाल में में है वो यहाँ पर जो है इसके बाद जब यहाँ पर आपकी ग्यारह सात को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है फाइनल लिस्ट आने के बाद जो जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पर वेटिंग क्लियर होगी तो इस बात का दोस्तों यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वेटिंग क्लियर हुई है उनकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर चैनल पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ धन्यवाद चैन